So, what I have today for you, I have today for you a well-known poet, Peter Potter, an Australian poet. He has written a poem, Your Attention, Please. And this poem is prescribed in the syllabus of UPSC, Uttar Pradesh Higher Education Services Commission का जो English का syllabus है, for recruiting assistant professor in various degree colleges, and this topic is very important, yeah, highly significant for UGC NET. So in this poem, what do you see? Yeah, what do you find? You see here ki within your attention, the writer is who? The writer is Peter Potter, an Australian poet. He has written a poem, Your Attention, Please. This is the name of the poem, Your Attention, Please. Potter delves into themes of apocalypse. एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, उन्होंने इस पोयम में जो थीम डेवलप किया है वो कौन सा है? एपोकैलिप्स है. और एपोकैलिप्स जो भी थीम जिसमें होता है उस पोइट्री को एपोकैलिप्टिक पोइट्री कहा जाता है. क्या कहा जाता है? एपोकैलिप्टिक पोइट्री, एपोकैलिप्टिक पोइट्री या एपोकैलिप्टिक लिटरेचर. व्हाट इज एपोकैलिप्टिक लिटरेचर या व्हाट इज एपोकैलिप्टिक पोइट्री? एपोकैलिप्टिक लिटरेचर और एपोकैलिप्टिक पोइट्री इज अ टाइप ऑफ पोइट्री इन विच यू फाइंड द डाउनफॉल ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द होल वर्ल्ड, द डाउनफॉल ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द होल वर्ल्ड, और यू फाइंड द कमिंग ऑफ द डूम्स डे, प्रलय का दिन जैसा दिखाया जाता है. यू फाइंड डिस्ट्रक्शन, यू फाइंड दैट द स्ट्रक्चर ऑफ द वर्ल्ड विल कोलैप्स. जो भी पूरा स्ट्रक्चर है दुनिया का, उसका ये दिखाया जाता है कि ये कोलैप्स हो जाएगा, जिसको डूम्स डे, कयामत का दिन, प्रलय का दिन, आखिरत का दिन, समथिंग उस तरह की थीम को लेकर के चलते हैं. चाहे वो किसी सुनामी के रूप में दिखाया जा रहा हो, चाहे फ्लड के रूप में दिखाया जाए, या ये दिखाया जाए कि सब अदर जो जाइंट्स वगैरह है दूसरे प्लैनेट से, दे केम एंड दे डिस्ट्रॉयड द स्ट्रक्चर ऑफ द वर्ल्ड. तो पीटर पॉटर का जो ये पोयम है, जो योर अटेंशन प्लीज, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पोयम है. इसका जो थीम है वो क्या है? एपोकैलिप्स है. एपोकैलिप्स मैंने बताया, एक ऐसा थीम जिसमें ये दिखाया जाता है कि डाउनफॉल ऑफ द फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द वर्ल्ड. गवर्नमेंट एंड सोसाइटी, उसमें ये भी दिखाया जाता है कि जो गवर्नमेंट है, जो सोसाइटी है, नॉट गुड, और उसका जो इस्टेब्लिश सिस्टम है, इट्स नॉट फंक्शनिंग प्रॉपरली. द टोन इज कंसिस्टेंटली डायरेक्ट एंड अनइमोशनल. इसमें जो टोन होता है वो कंसिस्टेंटली डायरेक्ट होता है, जो बातें कही जाती है डायरेक्ट होती है, और कोई इमोशनल आस्पेक्ट नहीं बल्कि अनइमोशनल होता है. एंड इज देयरफॉर एबल टू फॉस्टर एंड इवन ग्रेटर इमेजिन पैनिक्ड मूड. और कैसा मूड होगा? पैनिक्ड मूड होगा इन दोज लिस्निंग. जो इस तरह की पोयम को सुनते हैं उनका मूड कैसे हो जाता है? पैनिक हो जाता है. सो विद इन योर अटेंशन प्लीज पॉटर, ये जो पोयम है पीटर पॉटर का, इट्स द नेम ऑफ द पोयम इज योर अटेंशन प्लीज, डेल्स इनटू द थीम ऑफ एपोकैलिप्स. इसमें जो थीम है वो क्या है? एपोकैलिप्स का थीम है, गवर्नमेंट का है, सोसाइटी का है. द टोन इज कंसिस्टेंटली डायरेक्ट एंड अनइमोशनल. जो टोन है वह क्या है? कंसिस्टेंटली डायरेक्ट और अनइमोशनल है. जो सुनने वाला है वो क्या हो जाता है? पैनिक्ड मूड में हो जाता है. यू सी, फिर है योर अटेंशन प्लीज बाय पीटर पॉटर यूटिलाइजेस एन इमरजेंसी अनाउंसमेंट टू डिपिक्ट द मोमेंट बिफोर अ न्यूक्लियर अटैक. व्हाट अटैक? न्यूक्लियर अटैक. जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, अगर कहीं पर न्यूक्लियर अटैक का बात होगा तो न्यूक्लियर अटैक की बात होने का मतलब यह है कि वो एपोकैलिप्टिक सिचुएशन है. वहां पे यू फाइंड जस्ट लाइक द डूम्स डे सिचुएशन, और यू कैन से कि पूरा डिस्ट्रक्शन, डिवास्टेशन, और समथिंग कोलैप्सिंग ऑफ द स्ट्रक्चर, फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द वर्ल्ड, सब तबाह तबाह, चारों तरफ जो है केवल डेथ का मंजर नजर आता है. तो योर अटेंशन प्लीज, ये जो पोयम है बाई पीटर पाठर,
इस पे उन्होंने क्या किया, एक इमरजेंसी अनाउंसमेंट किया हुआ है। और यह जो इमरजेंसी अनाउंसमेंट है किस चीज को लेकर के, टू डिपिक्ट द मोमेंट्स बिफोर अ न्यूक्लियर अटैक, न्यूक्लियर अटैक होने से पहले के क्षण को उन्होंने डिस्क्राइब किया है। दिस अटैक इज श्योर टू डिस्ट्रॉय द लाइव आर एट लीस्ट द वर्ल्ड ऑफ एवरी वन हु इज हियरिंग इट। उन्होंने साफ साफ बताया कि ये जो अटैक होगा ये क्या करेगा, दिस अटैक इज श्योर टू डिस्ट्रॉय द लाइव आर एट लीस्ट द वर्ल्ड ऑफ एवरी वन हु इज हियरिंग इट। इस अटैक में क्या हो जाएगा, लाइफ विल बी डिस्ट्रॉयड, द वर्ल्ड विल बी डिस्ट्रॉयड आर एनी वन हु इज हियरिंग द अनाउंसमेंट ऑफ द इमरजेंसी अनाउंसमेंट एंड दे ऑल विल बी डिस्ट्रॉयड। मीन्स देर इज नो होप या देर इज नो एक्सपेक्टेशन दैट एनी वन विल रिमेन अलाइव, कोई उम्मीद की किरण नहीं है कि कोई जिंदा रहेगा। सो यू आर गेटिंग वट, यू आर गेटिंग पीटा पाटा, यू आर गेटिंग योर अटेंशन प्लीज। एंड इन दिस पोएम पीटा पॉटर टेल्स अबाउट वट, पीटा पॉटर टेल्स अबाउट न्यूक्लियर अटैक, विच अटैक, न्यूक्लियर अटैक। एंड वेन यू टॉक अबाउट दिस अटैक यू कम टू नो दैट द राइटर टेल्स अबाउट थिंग्स विल बी डिस्ट्रॉयड, लाइफ विल बी डिस्ट्रॉयड, वर्ल्ड विल बी डिस्ट्रॉयड, दोज पीपल हु आर गेटिंग या दोज पीपल हु आर गेटिंग दिस अनाउंसमेंट दे विल नॉट रिमेन अलाइव, दे आर ऑल आस्क टू फ्ली टू देयर शेल्टर्स। और उन सबसे कहा जाता है कि तुम इस जगह को छोड़कर कहाँ जाओ, अपनी शरण में, शेल्टर में जाओ जहाँ सुरक्षित हो इमीडिएटली। देयर आर मोमेंट्स ऑफ आयरनी एंड ह्यूमर इन द पोयम ऑफ द अनसेल्फ अवेयर अनाउंस ask the listener to accept their own death, trust in God and leave behind people and animals they care about. एक बहुत आयरोनिकल सिचुएशन इसमें आती है, आयरनी आती है और ह्यूमर भी आता है। क्या क्या आयरनी और ह्यूमर आता है, देयर आर मोमेंट्स ऑफ आयरनी एंड ह्यूमर इन द पोयम एज द अनसेल्फ अवेयर अनाउंसर। जो अनसेल्फ अवेयर अनाउंसर है, जो अनाउंसर है उसको ये नहीं पता, अनसेल्फ अवेयर अनाउंसर ऑफ द लिसनर, वह क्या करता है, लिसनर से पूछता है, लिसनर से, लिसन जो लोग सुनते रहते उनसे पूछता है, क्या पूछता है, टू एक्सेप्ट देयर ओन डेथ्स, कि वे लोग अपनी मौत के लिए तैयार हो जाए, मौत को स्वीकार कर ले, ट्रस्ट इन गॉड, ईश्वर में यकीन करें, ईश्वर को याद कर ले, आई लीव बिहाइंड पीपल एंड एनिमल दे केयर अबाउट, और उन सारी चीजों को छोड़ करके जाने को तैयार हो जाए जिनकी वो चिंता करते हैं। जैसे जब आदमी कोई मरने वाला होता है तो, या उसको लगता है कि अब उसका जीवन खत्म होने वाला है, तो दो तीन पॉइंट पर बात होती है। वो दो तीन पॉइंट कौन कौन से है, एक्सेप्ट देयर ओन डेथ्स, कि वो जो है डेथ को स्वीकार कर ले, कि आप लोग नाउ यू यू हैव टू प्रिपेयर मेंटली दैट यू विल डाई सून, देयर इज नो ऑप्शन, नो चॉइस, नो अल्टरनेटिव, कोई ऑप्शन नहीं है, कोई चॉइस नहीं है, कोई अल्टरनेटिव नहीं है, यू विल डाई सून, नंबर वन पॉइंट। नंबर टू पॉइंट कि ट्रस्ट इन गॉड, साथ ही साथ ईश्वर में यकीन रखो, यू आर अबाउट टू डाई, ट्रस्ट इन गॉड, ईश्वर में यकीन रखो, एंड लीव ऑल द पीपल All the animals whom you care. तो ये एक पॉइंट निकल कर क्या था, कहते ये सब चीजें छोड़ दो, लीव ऑल द थिंग्स, ऑल द एनिमल्स हुम यू केयर। नेक्स्ट है, आई थिंक यू केम टू नो अबाउट द स्ट्रक्चर, यू केम टू नो अबाउट द थीम। थीम क्या है, द थीम इज की दैट देर इज एन इमरजेंसी अनाउंसमेंट टू डिपिक्ट द मोमेंट बिफोर अ न्यूक्लियर अटैक, न्यूक्लियर अटैक होने से पहले एक अनाउंसमेंट होता है, और वह क्या अनाउंसमेंट है, या इमरजेंसी अनाउंसमेंट है, जस्ट गो इन द शेल्टर, जस्ट गो टू देयर शेल्टर, टू फ्ली, नॉट गो बट टू फ्ली टू देयर शेल्टर्स, बिकॉज न्यूक्लियर अटैक इज पॉसिबल हियर। और इसमें क्या दिखाया गया, दिखाया गया है डिस्ट्रक्शन, डिवास्टेशन, डिस्ट्रॉइंग ऑफ द लाइव ऑफ द वर्ल्ड ऑफ द पीपल आर एवरी वन हु इज गेटिंग दिस अनाउंसमेंट, ये सब चीजें की गई है। देन यू सी वट, देन यू सी स्ट्रक्चर ऑफ योर अटेंशन प्लीज, इसका स्ट्रक्चर क्या है,
योर अटेंशन प्लीज बाई पीटर पॉटर इज अ 63 लाइन पोएम। हाउ मेनी लाइन? 63 लाइन, इतना 63 लाइन की पोएम है। दैट्स कंटेन्ड विद इन वन स्टैंजा ऑफ टेक्स्ट, और यह किसमें केवल एक स्टैंजा या टेक्स्ट में लिखा गया है, इसके स्टैंजा बदले नहीं है। 63 लाइन की पोएम है और एक स्टैंजा या टेक्स्ट में है। द लाइन्स डू नॉट फॉलो अ स्पेसिफिक राइम स्कीम, कोई स्पेसिफिक राइम स्कीम नहीं है। नॉट डू दे कन्फर्म टू मेट्रिकल पैटर्न, ना ही कोई कन्फर्म मेट्रिकल पैटर्न है, इसका मतलब कि फ्री वर्स जैसा है। बट पॉटर डज मेक यूज ऑफ सेवरल पोएटिक टेक्निक्स इन योर अटेंशन प्लीज, दीज इंक्लूड एनाफोरा, तमाम पोएटिक डिवाइसेज उन्होंने यूज किया, एलिट्रेशन और इंजाम्बीमेंट। क्या क्या उन्होंने यूज किया है? एनाफोरा, एलिट्रेशन और इंजाम्बीमेंट। द फर्स्ट एनाफोरा इज द रिपीटिशन ऑफ अ वर्ड और फ्रेज एट द बिगनिंग। जो आपका एनाफोरा है वो क्या है? द फर्स्ट एनाफोरा, एनाफोरा इज द रिपीटिशन ऑफ अ वर्ड, एनाफोरा एक तरह का रिपीटिशन है वर्ड का या फ्रेज का एट द बिगनिंग ऑफ मल्टीपल लाइन, एट द बिगनिंग ऑफ मल्टीपल लाइन। करें कि जो एनाफोरा है वो क्या होता है? इट्स द रिपीटिशन ऑफ वर्ड और फ्रेज या शब्दों का या फ्रेज का रिपीटिशन होता है कब? एट द बिगनिंग ऑफ मल्टीपल लाइन, जो शुरू का लाइन होती है उसका बिगनिंग, यूजुअली इज सक्सेशन और आगे चलता रहता है। जैसे एक एग्जांपल के रूप में टर्न ऑफ योर, अपने आप को क्या कर लो या टर्न ऑफ योर कर लो, विच स्टार्ट द बिगनिंग ऑफ द लाइन 30 एंड 31। ये बातें 31 और 30, 30 और 31 लाइन में ये शब्द दो बार आया, टर्न ऑफ योर, टर्न ऑफ योर। दिस इज व्हाट, दिस इज द एनाफोरा। एंड व्हाट इज एनाफोरा? इफ एनीवन आस्क यू, एनाफोरा इज द रिपीटिशन ऑफ अ वर्ड और फ्रेज एट द बिगनिंग ऑफ मल्टीपल लाइंस, किसी भी एक शब्द का, किसी भी एक फ्रेज का रिपीटिशन जो है मल्टीपल लाइंस में, कई लाइनों में रिपीट होना, उसको क्या कहा जाता है? एनाफोरा। अगेन आई वुड लाइक टू टेल यू, एनाफोरा मींस रिपीटिशन ऑफ अ वर्ड और फ्रेज इन अ लाइन और मोर देन वन लाइन, दैट इज व्हाट, दैट इज द एनाफोरा, यूजुअली इन सक्सेसर। फॉर एग्जांपल टर्न ऑफ योर विच स्टार्ट द बिगनिंग ऑफ लाइन 30 एंड 31। नेक्स्ट कौन सा चीज का इसमें दिखाया गया? एलिट्रेशन। व्हाट इज एलिट्रेशन? ऑकर्स व्हेन वर्ड्स आर यूज्ड इन सक्सेसन or at another important technique commonly used in poetry is enjambment। dusra cheez kya cheez important hai? enjambment। it occurs when a line is cut off before its natural stopping point। enjambment forces a reader down to the next line and the next quickly। jo enjambment hai kya karta hai? enjambment forces a reader down to the next line। enjambment हमें फोर्स करता है कि जो मीनिंग हम निकाल रहे हैं, इस मीनिंग का अर्थ केवल उसी लाइन में नहीं है बल्कि नेक्स्ट लाइन में, एट द नेक्स्ट क्विकली, और दूसरी नेक्स्ट लाइन जो होती है उसमें हो सकता है। enjambment इज अ फ्रेंच वर्ड। enjambment कौन सा वर्ड है? फ्रेंच वर्ड, FRENCH। और enjambment का क्या मतलब होता है? स्ट्राइडिंग ओवर, STRIDING, स्ट्राइडिंग ओवर। स्ट्राइडिंग ओवर का क्या मतलब होता है? एक लाइन में जो आप सेंस निकाल रहे हो वहां कंप्लीट ना हो करके, इट फोर्सेस यू दैट यू हैव टू गो विद द सेकेंड लाइन टू गेट द मीनिंग समटाइम्स इन द नेक्स्ट लाइन क्विकली। ये सिचुएशन क्या कहा जाता है? एंजाम्बीमेंट, स्ट्राइडिंग ओवर। इट मीन दैट यू गेट a meaning or sense not in the line but in the next line, the next line, if the poet forces you, then it's the situation of enjambment। aur alliteration kya hai? Alliteration is the repetition of a speech sound in a sequence of nearby words। fir aage kare, one has to move forward in order to comfortably resolve a phrase or sentence। For example, the transition between lines of 2 and 3 as well as lines 9 and 10। Next है, ये उसमें उन्होंने दिया हुआ poem क्या है? Lines 1 से 30, your attention please, the polar TEW has just warned that a nuclear rocket strike off to comply with the shelter requirements published in the civil defense force section, atomic attack।
कौन सा अटैक? न्यूक्लियर अटैक और एटॉमिक अटैक। तो वो जो न्यूक्लियर अटैक है या जो एटॉमिक अटैक है, उस न्यूक्लियर अटैक या एटॉमिक अटैक पहले देयर इज एन अनाउंसमेंट, एंड व्हाट अनाउंसमेंट इज द अनाउंसमेंट दैट देयर इज द पॉसिबिलिटी ऑफ द एटॉमिक अटैक या देयर इज द पॉसिबिलिटी ऑफ द न्यूक्लियर अटैक। देयर फोर यू ऑल हैव टू डू व्हाट? यू ऑल हैव टू गेट टू गो इन टू गो टू शेल्टर। यू ऑल हैव टू गो टू शेल्टर एंड जस्ट रिमेम्बर गॉड, जस्ट लीव दोज एनिमल्स एंड दोज हाउसेज होम यू केयर, सेव ओनली योर लाइफ। तो एक ह्यूमर भी आता है और एक आयरनिकल सिचुएशन भी आता है। एक तो मौत की भी है, दूसरा चीज आदमी मौत के मुहाने पर है फिर भी चीजों को क्या करता रहता है, उसके दिमाग में मटेरियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से जो दुनिया है, जो लालच है, मेरे जानवर, मेरा घर, मेरा सामान, मेरी तमाम चीजें, इसका एक वो कहता है ये सबको छोड़ दो, केवल अपनी फिक्र करो। तो कैसी सब चीजों को छोड़ा जा सकता है? दिस 65 टू कंप्लाई विद द शेल्टर, दिस 63। देन यू सी कि इन द फर्स्ट लाइन ऑफ योर अटेंशन प्लीज एन अनाउंसमेंट इज मेड। एक अनाउंसमेंट किया जाता है, ठीक है, पोयम का नाम क्या है? योर अटेंशन प्लीज। उसमें क्या किया गया? एक अनाउंसमेंट किया गया है, किस चीज को लेके? कि न्यूक्लियर अटैक को। द पोलर डी डब्ल्यू डी आर पोलर डिस्टेंट अर्ली, इसका फुल फॉर्म देख लीजिएगा। द पोलर डी डब्ल्यू फुल फॉर्म क्या है? पोलर डिस्टेंट अर्ली वार्निंग। ये एक कोई एक तरह का इंस्टीट्यूट है या जो उसको वार्निंग देती है, जो अनाउंसमेंट करती है। पोलर डिस्टेंट अर्ली वार्निंग हैज डिटेक्टेड द प्रेजेंस ऑफ अ रॉकेट स्ट्राइक। उसको लगता है कि कोई रॉकेट स्ट्राइक हो सकता है या न्यूक्लियर अटैक हो सकता है। इट्स न्यूक्लियर इन नेचर एंड इज हेडेड टू मेजर सिटीज, और बड़े शहरों पर यह हमला हो सकता है। द टोन इन दीज लाइन इज डायरेक्ट, या जो टोन है इसमें डायरेक्ट है, डिसकंफर्टिंग है, फ्राइटिंग, डर। टोन जो है जैसे योर अटेंशन प्लीज, जब आप किसी को डायरेक्ट वो संबोधित करते हैं तो उसका जो टोन आपका होता है वो क्या होता है कि यू आर ड्राइंग द अटेंशन ऑफ दैट पीपल एंड टॉकिंग टू दैट पीपल डायरेक्टली। तो यहाँ पे जब आप कहते हैं योर अटेंशन प्लीज, तो इसका मतलब आपका डायरेक्ट कम्युनिकेशन उससे हो रहा है। तो टोन क्या है आपका? टोन जो है डायरेक्ट है, और साथ ही साथ आपका डिसकम्फर्टिंग है, फ्राइटनिंग है। इट क्रिएट्स एन अनसर्टेन मूड बाई टाइपिंग इट टू द वर्स्ट फियर ऑफ मेनी। और ये अनाउंसमेंट क्या करता है? लोगों में जो है फियर पैदा करता है, वर्स्ट फियर ऑफ मेनी। फ्रॉम द स्पीकर डिपिक्शन देर इज नो वे एनी वन कुड सर्वाइव। जो स्पीकर है उसके उसके बातों से लगता है कि कोई भी आदमी बच नहीं पाएगा। देर इज सम ड्राई ह्यूमर इन द सेवेंथ एंड एट्थ लाइन ऑफ द अनाउंसर, अवेयर ऑफ द टाइम ही इज गोइंग टू टेक वाइल स्पीकिंग, इन्फॉर्म द पब्लिक हाउ लॉन्ग दे विल हैव टू सीक शेल्टर। और वह इन्फॉर्म करता पब्लिक को कि कितना लंबा समय जो है उनको शेल्टर में रहना पड़ेगा। इट फील्स एब्जर्ड टू इमेजिन दिस सिनेरियो, बट इट इज ऑल्सो विद इन द रीम ऑफ द पॉसिबिलिटीज। सो एक एक एब्जर्ड सिचुएशन भी लगता है कि इतने देर तक वो वहां रहेंगे, कैसे किसी को पता कि इतने समय तक ही वहां पे रहना पड़ेगा या दिस सिचुएशन। फिर आगे आता है कि आई स्पेशली शॉर्टेड बास विल बी ब्रॉडकास्ट एट द एंड ऑफ दिस अराउंडमेंट स्विच व्हेन एवरीवन इज इन द शेल्टर सेट रेडिएशन एरियल टर्न ऑन द जीगर बैरोमीटर। तमाम चीजें वो बताते हैं वहां पे कि स्पेशली शॉर्टेड बास विल बी ब्रॉडकास्ट, लोगों को ब्रॉडकास्ट किया जाता है कि शेल्टर में चले जाओ, वहां से बाहर नहीं निकलना, रेडिएशन का खतरा है, तुम उसकी चपेट में आ जाओगे। आज दी सी इन द नेक्स्ट लाइन ऑफ योर अटेंशन प्लीज द अनाउंसिंग वॉइस टर्न्स टू रिलीजन। जो अनाउंसिंग वॉइस है वो किसको कहती है? वो रिलीजन को संबोधित करती है। एज द नेक्स्ट अपेरेंटली ऑब्वियस थिंग्स टू एड्रेस एड्रेस देयर आर गोइंग टू बी रिलीजियस सर्विसेज ब्रॉडकास्ट एट द एंड ऑफ दिस अनाउंसमेंट दे विल बी प्रोटेस्टेंट एंड जीविश। और ये लोग जो है अपने अपने धर्म के अनुसार वो कौन हो सकते हैं? प्रोटेस्टेंट भी हो सकते हैं और जीविश भी हो सकते हैं। क्यों ऐसा है? जो सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था उस सेकेंड वर्ल्ड वार में जो है क्रिश्चियंस ने यानी प्रोटेस्टेंट्स ने बहुत सारे जीविश को जो है गैस चैम्बर में रखा था, खास करके हिटलर ने, और उनको किल करा दिया था। तो उसको भी वो लेकर के करें कि और एक रिलीजियस अनाउंसमेंट भी होता है, लोग अपने गॉड को याद करते हैं अपने अपने विश्वास के हिसाब से। एंड स्टार्ट्स एट द सेम टाइम
When imagining this scenario, the poet tried to address what would be the immediate fears of the public, but doing so draws attention to our priority. This is especially true at the end of the poem, as the poet turns back to addressing the impact of religion. Poet kya karta batata hai, kya the impact of religion and faith on these doomed people. पोएट ये कहता है कि उन लोगों पर धर्म का असर क्या पड़ता है जो मौत के मुहाने पर है, जिनको लगता है कि मौत उनके करीब है एंड वो किसी भी क्षण मारे जा सकते हैं. उनका उनका धार्मिक विश्वास कितना गहरा होता है, वे क्या सोचते हैं, इस चीज को लेकर के यहाँ पे दिखाया गया. द वॉइस आस्क एवरीवन लिसनिंग टू अबैंडन द ओल्ड एंड बेड रिडन एज वेल एज वेल लव्ड पेट्स. जो वॉइस है वो ये कहती है कि आपकी जितनी प्यारी चीज है जो पुरानी है, लिसनिंग टू abandon, abandon मतलब छोड़ दीजिए, द ओल्ड एंड बेड रिडन एज वेल एज वेल लव्ड पेट्स, जितनी भी आपके पालतू जानवर है, वेल लव्ड पेट्स है, जो पुरानी चीजें हैं जिनसे आपका अटैचमेंट है, उन सब चीजों को छोड़ दीजिए. दीज थ्री कैटेगरीज विल इनविटेबली कंज्यूम फ्रेश एयर. कह रहे कि ये तीन कैटेगरी जो है, दीज थ्री कैटेगरीज विल inevitably consume fresh air. The brutality of this statement and the emotionless way it's delivered speaks to human selfishness. और इस कहते हैं जब आप इसे छोड़ करके जाएंगे ना, इनको फ्रेश एयर मिलेगी. कौन सी फ्रेश एयर मिलेगी? जब रेडिएशन होगा, तुम अपने आप को बचाओ. जैसे हम लोग कहते नहीं कभी खतरे में होते, अरे उसकी फिक्र क्यों कर रहे, तुम अपने आप को बचाओ, भागो, अपनी जान बचाओ. तो लोग अपनी जान बचाने के लिए किन किन लोगों को जो है कुर्बान कर देते हैं, उसका वो कह रहा है. कह रहे कि जो अनाउंसर वो कह रहा है अपनी जान बचाओ, जानवरों के चक्कर में, जो पेट एनिमल्स है, पेट डॉग्स है, उनके चक्कर में मत पड़ो. यह क्या दिखाता है? यह आदमी का दिखाता है ह्यूमन सेल्फिशनेस की, मानव कितना स्वार्थी है और वह इमोशनल लेस है, और अपनी जान बचाने के लिए वह शरण तो चाहता है लेकिन और लोगों की चिंता नहीं करता है. The wise ask everyone listening to abandon the old and bedridden as well as well loved pets. These three categories will inevitably consume fresh air. The brutality of this statement and the emotionless way it's delivered speaks to human selfishness and a need to preserve one's life. और एक चीज दिखाया गया क्या कि preserve one's life, अपने जीवन को बचाओ over everything and everyone else. Preserve one's life over everything and everything else. So you need to come, what you need to come, keep preserve everyone. Preserve everyone. ये चीज बहुत वो इम्पोर्टेंट है. अपनी सुरक्षा करो और अपनी सुरक्षा, अपनी जान बचाने के लिए चाहे तुम्हें दूसरे की जान लेनी पड़ जाए. तो ये सेल्फिशनेस की और इमोशनलनेस जो सिचुएशन है वो चीजें यहाँ पे नजर आती है. अ रीडर माइट आस्क देमसेल्फ व्हाट दे वुड डू इन दिस सिचुएशन. द स्पीकर कंटिन्यूज बाय गिविंग एवरीवन अ फ्यू टास्क दे नीड टू मेक श्योर दे अकम्प्लिश व्हेन दे आर गेटिंग इनटू द शेल्टर. नाउ लाइन 33-43. टर्न ऑफ योर टेलीविजन, अपने टेलीविजन को टर्न ऑफ कर लो. टर्न ऑफ योर रेडियो इमीडिएटली. The services and at the same time watch for the cuckoo in your perplexed idol or your district attending doctor rings your bell. तमाम डरावने वाली चीजें कि अपना टर्न, आप अपने टेलीविजन को बंद कर दो, रेडियो को बंद कर दो, सारी सर्विसेज खत्म कर दो और जो है अब बस इंतजार करो कि क्या नाम है कि तुम बचे रहो या कोई कुक्कू की आवाज आती है या नहीं. अगर कोई कुक्कू की आवाज आए तो समझिए कि सब बेहतर है. या डिस्ट्रिक्ट टूरिंग डॉक्टर का इंतजार करो, उसका रिंग बेल आए मदद के लिए अगर आए. फिर यहाँ पे जो है, यहाँ पे एनाफोरा कहाँ पे आया हुआ है? टर्न ऑफ. मैंने बता दिया ना, एनाफोरा एक लिटरी डिवाइस है जिसमें किसी भी शब्द को या किसी भी फ्रेजल वर्ड्स को क्या किया जाता है, एक से अधिक बार रिपीट किया जाता है मल्टीपल लाइन्स में. पहली लाइन में टर्न ऑफ, 30 लाइन में टर्न ऑफ वर्ड आया, फिर दूसरी 31 में भी टर्न ऑफ आया. तो इसको क्या कहा जाता है? इसको एनाफोरा कहा जाता है. तो यू सी हियर एनाफोरा. एनाफोरा यूज्ड इन द नेक्स्ट लाइन योर अटेंशन प्लीज एज द वॉइस डायरेक्ट द लिसनर टू टर्न ऑफ देयर टेलीविजन. अपने टेलीविजन को बंद कर लीजिए, रेडियोज को बंद कर लीजिए. द लिस्ट लाइक नेचर ऑफ दीज लाइन्स फील रियलिस्टिक. और ऐसा लगता है जैसे एक रियल घटना दिखा रहा. क्योंकि जब भी इस तरह का हूटर होता है या यू फाइंड एनी अनाउंसमेंट आर एनी वार्निंग
देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ द न्यूक्लियर अटैक, जस्ट लीव द प्लेसेस, गो टू द शेल्टर, प्रोटेक्ट योर सेल्फ, डोंट केयर द पेट एनिमल्स, पेट डॉग्स आर द थिंग्स विच यू लाइक, लाइफ इज इम्पॉर्टेंट, तमाम चीजें की, इन सबको छोड़ के भाग, हर आदमी भागना शुरू हो जाता है. ड्यूरिंग अ डिजास्टर सच एज दैट आउटलाइन इन यू अटेंशन प्लीज, यू वुड लाइकली एक्सपेक्ट क्लियर डायरेक्शन. इट इज इंटरेस्टिंग दो दैट टर्निंग ऑफ द टीवी हैज टू बी इंक्लूडेड इन द साउंड अनाउंसमेंट एज इफ टू इनकरेज पीपल टू स्टॉप वेस्टिंग टाइम. और ये भी शायद हो सकता है कि जो ये कहा जा रहा है कि अपनी टीवी को बंद कर दो, ऐसा इसलिए भी हो सकता है कि जो वेस्टिंग ऑफ टाइम हो उससे बचने की कोशिश करो. इट इज इंटरेस्टिंग दो दैट टर्निंग ऑफ द टीवी हैज टू बी इंक्लूडेड इन द अनाउंसमेंट एज इफ टू इनकरेज पीपल टू स्टॉप वेस्टिंग टाइम. दोज लिसनिंग टू द अनाउंसमेंट आर गिवन एडिशनल डायरेक्शन, दे हैव टू गिव देयर चिल्ड्रेन पिल्स एंड गेट देम इन टू बेड. दे हैव टू गिव देयर चिल्ड्रेन पिल्स, बच्चों को दवाइयाँ दे दो और उनको बेड पे सुला दो. दे शुड नॉट ब्रेक द सील ऑन देयर शेल्टर्स, और अपने जो है शेल्टर की सील ना तोड़े. दे शुड लिसन फॉर मोर डायरेक्शन, और जैसे जैसे डायरेक्शन दिया जाए वैसे आगे बढ़े. आई ट्राई टू रिमेम्बर ऑल ऑफ देम, द लाइन कम वन आफ्टर अनदर, बम्बार्डिंग एंड लिसनर विल डायरेक्ट देम, बम्बार्डिंग एंड लिसनर विल विद डायरेक्शन. इफ बिफोर दिस योर एयर बिकम्स एग्जॉस्टेड, यदि अगर तुम्हारी एयर भी खत्म हो जाती है, आर इफ एनी ऑफ योर फैमिली इज क्रिटिकली इंजर्ड, अगर आपकी फैमिली में कोई इंजर्ड हो जाता है, एडमिनिस्टर हैज ऑलरेडी गिवन ऑर्डर फॉर मैसिव रिटेलिएशन, इट विल बी डिसीजिव, सम ऑफ अस मे डाई, हो सकता है हम में से किसी की मौत हो जाती है. डरावना वाला जो मंजर होता है, जिसको कहा गया कि डायरेक्ट कम्युनिकेशन है, डिसकम्फर्ट है, फ्राइटनिंग सिचुएशन है, उस तरह की सिचुएशन का यहाँ पे आ रहा है. तो उन्होंने कहा कि देर इज अ चांस दैट दोज इन द शेल्टर, की एक ऐसा स्थिति हो सकता है जो लोग शेल्टर में है, शरण लिए हुए है, आर गोइंग टू रन आउट ऑफ एयर, हो सकता है कि वे एयर की तलाश में, आर गोइंग टू रन आउट ऑफ एयर, आर बिकम इंजर्ड, हो सकता है कि वे लोग इंजर्ड हो जाए या जो एक अटैक हो रहा है उसमें. बिफोर अ डॉक्टर अराइव, डॉक्टर के आने से पहले, द स्पीकर एक्नॉलेजेस दिस पॉसिबिलिटी एंड टेल्स द लिसनर टू गो अहेड एंड टेक अ सुसाइड कैप्सूल इन ऑर्डर टू स्पीड अप डेथ. ये एक बहुत फियरफुल सिचुएशन है. स्पीकर कहता है कि आप लोग जो है एक कैप्सूल डेथ वाला अपने पास रखिए, अगर हो सकता है कि आप लोगों को ऑक्सीजन ना मिले, या हो सकता है कि रेडिएशन का खतरा हो सकता है कि पूरा का पूरा पॉल्यूशन, पॉल्यूशन वर्ड नहीं, मीन्स कि पूरा एयर पॉल्यूट हो जाए, या अगर जो है बायोलॉजिकल वार होता है, इस तरह का बायोलॉजिकल वीपन्स का लोग यूज करते हैं, वाटर पॉल्यूट हो जाए, एयर पॉल्यूट हो जाए, तो आप घुट घुट के मरेंगे. उससे मरने से बेहतर है कि एक सुसाइड कैप्सूल अपने पास रखिए और इससे आपकी डेथ जल्दी हो जाएगी. ये कैप्सूल आप जो है बच्चों को भी खिला दीजिए. तो कितना फियरफुल लग रहा है कि बच्चों को भी ये कैप्सूल खिला दीजिए, खुद भी खा लीजिए, ताकि आपको मौत जल्दी आ जाए, मतलब मौत के लिए भी कैप्सूल का सेवन करने के लिए कहा जा रहा है. तो एक चूंकि एक ऐसा सिचुएशन होता है जब वार होता है, तो न्यूक्लियर अटैक है, ड्रॉपिंग ऑफ द बॉम्ब है, तो उसमें सिचुएशन बड़ा फियरफुल हो जाता है, और उसमें जो घुट घुट के मरने से बेहतर उनको एक ऑप्शन दिया जा रहा है कि एक सुसाइड कैप्सूल रखिए. देयर इज अनदर ह्यूमरस मोमेंट व्हेन द वाइस रिफर्स टू कैथोलिक्स एंड हाउ दे माइट हैव रिलीजियस बिलीफ को लेकर के, कैथोलिक्स को लेकर के डिफरेंट इंस्ट्रक्शन. द स्पीकर अनाउंसेस दैट देयर अनाउंसमेंट इज कमिंग टू एन एंड इन द 52nd line. जो जो स्पीकर है वह अनाउंस करता है कि दैट देयर अनाउंसमेंट इज कमिंग टू एन एंड, कि उनका अनाउंसमेंट जो है पोयम के कहां पे 52nd line में खत्म होता है. 52nd line अनाउंसमेंट. फिर यू फाइंड दिस 56 से 63, रिमेम्बर स्टेटिस्टिकली इट इज नॉट लाइकली टू बी यू, ऑल फ्लैग्स आर फ्लाइंग फुली ड्रेस्ड, वी आर ऑल इन द हैंड्स ऑफ गॉड, हैंड्स ऑफ गॉड. Whatever happens, happens by his will. जो कुछ भी घटित होता है उसी की इच्छा से घटित होता है. Now go quickly to your shelter. तेजी के साथ कहाँ पे चले जाओ, अपने शेल्टर्स पे चले जाओ. तो लास्ट में क्या होता है कि जो लोग
इस ट्रबल में होते हैं, उनका यकीन ईश्वर में ज्यादा होता है, और वे क्या कहते हैं कि अब कुछ नहीं है, सब कुछ हाथ से निकल चुका है, सब कुछ ईश्वर के हाथ में। लास्ट में यही एक ऑप्शन बचता है कि नथिंग इज इन आर हैंड गॉड। यही यही डॉक्टर भी कहता है, अगर कोई क्रिटिकल पेशेंट है और डॉक्टर थिंक दैट हिज डिजीज इज इनक्यूरेबल, या आई कॉन्ट ऑपरेट, या आई डोंट हैव एनी ऑप्शन, या आई कॉन्ट आई आई कॉन्ट हेल्प दैट पेशेंट, तो ये कहता है कि सब कुछ किसके हाथ में, इट इज ओनली इन द हैंड्स ऑफ गॉड, और जो कुछ भी होगा उसी की इच्छा से होगा। नाउ गो क्विकली टू योर शेल्टर इन द फाइनल लाइन ऑफ योर अटेंशन प्लीज द स्पीकर ट्राइज टू कम्फर्ट दोज लिसनिंग बाई टेलिंग देम that it is not likely to be you. It is not likely to be you. Do you understand? It is not likely to be you. It is not likely to be you. ऐसा नहीं है. What are going to die? Who are going to die? A reader should notice the irony in these lines as clearly in the moments of death, the fact that the flags are flying fully. एक तरफ तो यहाँ पे दिखा रहा है flags are flying fully. Alliteration का flag आर फ्लाइंग फुली, एफ 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 फ्लैग्स आर फ्लाइंग फुली की जितने भी झंडे हैं वे उड़ रहे हैं। इसका मतलब अगर झंडे उड़ रहे हैं तो हवाएं चल रही है, और झंडों के उड़ने का मतलब जीवन चल रहा है, प्रतीक है। एक तो ये आयरोनिकल सिचुएशन है, दूसरी तरफ डेथ का मंजर खड़ा किया जा रहा है। इज नॉट गोइंग टू बी मच कम्फर्ट द स्पीकर साइज ऑफ बाई टेलिंग एवरी वन There is nothing they can really do as everything is in the hand of God. अब उनके हाथ में कुछ नहीं है, सब कुछ ईश्वर के हाथ में है। समरी क्या है इसका? समरी ऑफ योर अटेंशन, कुछ समरी नहीं, थीम को, योर अटेंशन प्लीज बाय पीटर, ये पोयम है योर अटेंशन प्लीज पीटर पॉटर के द्वारा, यूटिलाइजेस एन इमरजेंसी अनाउंसमेंट, जिसमें एक इमरजेंसी अनाउंसमेंट किया गया है, टू डिपिक्ट द मोमेंट्स बिफोर अ न्यूक्लियर अटैक। न्यूक्लियर अटैक से पहले का क्या मोमेंट होता है, अगर कहीं पे न्यूक्लियर अटैक होने वाला है तो जो इमरजेंसी अनाउंसमेंट होता है, वहाँ के हालात क्या होते हैं, वहाँ का मंजर कैसा होता है, उसको लेकर के जो है बताया गया कि लोग जो है शरण के लिए भागते हैं, जिन चीजों को, जानवरों को पाले पोसे रहते हैं, जिनसे उनको प्यार रहता है, उन चीजों को छोड़ करके वे लोग भागने लगते हैं। हर तरफ डिसकंफर्ट होता है, फ्राइटनिंग सिचुएशन होता है, और एक फियरफुल कंडीशन होती है वहां पर। इसके अलावा ड्रॉपिंग ऑफ द बम का एक जो इमेज होता है वो माइंड में बड़ा हो रहता है, फिर वो सोचते हैं कि एवरीथिंग विल बी पॉल्यूटेड, नो वन विल अलाइव, द होल स्ट्रक्चर, द फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड विल कोलैप्स। फिर उसके बाद उनको ये भी सलाह दी जाती है कि तुम अपने साथ सुसाइड पिल्स को रखो, और ताकि आसानी से तुम्हें डेथ आ जाए। दिस अटैक इज सेव टू डिस्ट्रॉय द लाइव्स आर एटलीस्ट द वर्ल्ड ऑफ एवरीवन हु इज हियरिंग, दे विल दे आर ऑल आस्क्ड टू फ्ली टू देयर शेल्टर इमीडिएटली। उससे कहा जाता है तुम भाग करके शरण में जाओ। सो आई हैव टेकन दिस पोएम एंड आई हैव डन एंड होप यू ऑल हैव एंजॉयड, कि आप लोगों को समझ में आ गया है। वी विल बी टुमारो।